बिस्मानी असल नासन मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदी कहता हूँ और इस्लाम आबाद से हमारे साथ इब्राहिम राय साहब मौजूद हैं राय साहब तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब के मतलब क्या बड़ी खबर आई है एक मुश्किल हमें नज़र आ रही है शहबाज शरीफ साहब के लिए इसकी मुकम्मल कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और फिर पी डी एम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजात कहाँ तक पहुँचे बहुत सारे किरदार जो हैं एक्सपोज हो रहे हैं और हर रोज एक नया किरदार एक नया मोड़ और अब मुजाकर किस मोड़ पर खड़े हैं ये भी बताएंगे और फिर इमरान खान साहब की पहले रेड लाइन और उसके बाद अब एक नई डेड लाइन आई है ये क्या मामला है इसे भी आज की दो टो की नशिस्त में हम शामिल करेंगे राय साहब पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट सियासत में हमेशा से है और अब वाइब्स क्या आ रही हैं मौजूदा सिनेरियो के अंदर जब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैम्बर में मुलाकातें हुई इसका हाल अहवाल भी जो है अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी मंजरनामे पर आ, क्या कनेक्शन है ये भी बताएंगे राय साहब खान साहब निकल पड़े हैं हम पिछले एक माह से आ, एक ड्रामा पाकिस्तान में देख रहे थे और जब से नवे रोज़ इंतबा करवाओ की बात जो है वो शुरू की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला सुना दिया लेकिन फ़ैसले सुनाने से नहीं बल्कि उन पर अमल दरामद होने से जो है वो अदालतों की रिट कायम होती है नहीं तो रोज़ाना आइन में क्या लिखा है कानून में क्या लिखा है इस पर अमल दरामद करवाना जो है बुनियादी काम है खान साहब अब, अब दोबारा सड़क पर आ गए मुजाकर से वो ज़्यादा कोई खुश नज़र नहीं आते थे जब भी मुलाकातें हुई जमान पाक में उन्होंने कहा कि ठीक है करो मुजाकर लेकर जो वाइब्स आ रही हैं जो स्टेटमेंट्स जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से जारी किए गए कि हम दहशत गर्दों से मुजाकर जो हैं वो नहीं करेंगे कुरम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ आएगा तो खुशहाली आएगी और साथ मुजाकर का जो एक ड्रामा रचाया गया उसकी कहानी और ड्रॉप सिंह भी आ गया ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसी बातें कही कि सियासी जमातें ऐसे मुजात के ड्रामे जो है वो करती रहती हैं वो कहना यही चाह रहे थे अब खान साहब ने इन हरात के पेश नजर क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात बार बार करते रहे हैं कि एंगेज किया जा रहा है डंग टपाओ आपने ये मुहावरा सुना होगा कि आप थोड़ा सा टाइम बाय करते हैं वक्त गुजर गया चौदह तारीख को किसी सूरत में इंतबात अब नहीं होंगे लोगों ने पहले से कहना शुरू कर दिया कि नबे दिन और एक सौ पांच दिन या दो सौ पांच दिन जिस तरह सराजुल हक ने कहा फर्क नहीं पड़ता इसहाक डार ने कहा कि कोई क़्यामत नहीं आ जाएगी अगर तीन माह जो है इंतखबा आगे चले जाएंगे यानी आइन और कानून जो है इन लोगों के लिए और ख़ासतौर पर सियासी जमातों के लिए एक मजाक है खान साहब ने अब फैसला कर लिया सड़क पर आएंगे और फैसला सड़क का होगा चूंकि फैसले जिस सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में होने थे राय साहब वो पहले लापता थी गुमशुदा थी और उसके बाद क्या हुआ वही सुप्रीम कोर्ट जैसा हम कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है ये अंधा भी है बहरा भी है और गूंगा भी है और उसके साथ साथ लापता भी हो गया आज जब मैं गफीर था हमने सड़कों पर देखा लाहौर में भी लोगों की एक बड़ी तादाद रैली निकली इमरान खान की क्यादत के अंदर हजारों का मजमा है और सब ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतखबा हों इमरान खान साहब ने क्या कहा खान साहब ये कहते हैं कि एक ही बात कहनी है यानी वन पॉइंट एजेंडा है कि 14 मई को इसम्बलियाँ ख़त्म करें हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं आ, नासिर बाग गाड़ी में से उन्होंने ये खिताब किया आ, आपकी ज़िंदगी को बहुत सारे ख़तरा हैं इसके बावजूद वो लोगों के दरमियान में पहुंचे हैं खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौर पर कहा कि चौदह मई को पंजाब का इलेक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे मुजाक करें अगर ये मुतफिक हो जाते हैं तो सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा एक बार फिर शर्त रखी और कहा कि कल मुरात में हमने एक ही बात कहनी है चौदह मई से पहले सबलियाँ ख़त्म करें हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं अगर ये समझते हैं कि हम उनके मनसूबे में फंस कर करें, इंतजार करेंगे सितंबर में इलेक्शन होगा तो किसी गलत फहमी में ना रहें चौदह मई से पहले समलियाँ ख़त्म ना की, की तो अदालत को कहेंगी हमें पंजाब और खैबर पख्तनखा का इलेक्शन चाहिए मुझे नहीं मालूम कि कहना क्यों पड़ता है इंसाफ के लिए अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए क्यों कहना पड़ रहा है चीफ जस्टिस को और आइन तोड़ा या जजिस के ख़िलाफ़ कुछ किया तो पी टी आई सड़कों पर होगी ये भी एक तरह से अल्टीमेटम जारी किया गया है तरीके इंसाफ़ की तरफ से और चीफ़ जस्टिस के साथ खड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज तक हमने मुशी हालात की वजह से अमन एहतजाज किए अगर आइन को तोड़ा गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हक में तहरीक इंसाफ जो है वो ज़रूर निकलेगी चोर और हैंडलर्स आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो कॉम मेरे साथ निकलेगी और आइन के मुताबिक असम्बली ख़त्म हो तो नब्बे दिन में इलेक्शन होने थे नहीं करवाए अच्छा बातें उन्होंने सारी वही हैं जो कि लेकिन जो मेरे लिए एक न्यूज़ जिसे हमें जिस पर बात भी करनी चाहिए राजा साजिशें महिलाती साजिशें इसे कहें पीडीएम के अंदर की साजिशें कहें हुकूमत की साजिशें कहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें की गई चूंकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने दो नाम राय साहब रिकमेंड कर दिए हैं और पिशावर के एक जज हैं और एक सिंध के उन्हें कहा गया कि जनाब इनको एलिवेट किया जाए और दो सीटें खाली हैं यानी बड़ी गेम जो है तैयार की जा रही है यह भी इन आम नुकता राय साहब इस पर भी बात करेंगे लेकिन वट यू मेक आउट ऑफ दिस इमरान खान बैक ऑन द रोड सड़कों पर आ गए हैं और नारा है कि हमारा हक हाँ, पाकिस्तान की अवाम का हक हाँ हमें चाहिए राय साहब देखें आशफी साहब इसके पीछे एक बड़ी खबर छुपी है ये जो कह रहे हैं कि हमने अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है इसके पीछे इनकी एक पॉलिटिकल साइंस है आइन को रोंदते हुए का, कानून को रोंदते हुए ये अक्टूबर का एक प्लान बनाकर बैठे हुए ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत बाई असम्बली का इलेक्शन या किसी लोकल बॉडीज का इलेक्शन अक्टूबर से पहले हो क्योंकि सितंबर में चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर हो जाना है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने और उसके बाद अक्टूबर में जस्टिफ फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बन जाना है यानी सितंबर में ये रिटायर होंगे सितंबर के आखिर में जाकर जस्टिफ फायज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे फिर सेप्टेंबर में ही सदर आरिफ अलवी रिटायर हो जाएंगे यानी उनकी भी मदत मुलाजमत जो है वो सदर के तौर पर ख़त्म हो जाएगी अब आशमी साहब प्लान ये है कि जैसे फाइव जीसा के नीचे जो जुडिशरी होगी इसके ज़रिए इलेक्शन को रिग करवाया जाए प्लान ये है कि इलेक्शन को ज़ाहिर है कि अदलिया बर रास्त तो रिग नहीं करवाती लेकिन इनडायरेक्टली इस तरह से रिग करवाया जाता है कि किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ इस तरह के फैसले आ जाते हैं कि जिससे वो पार्टी मफलूज होकर रह जाती है जिस तरह से जस्टिस फाइज ईसा ने अभी पार्लियामेंट में जाकर अपना पूरा रूप बदला अपना जो चेहरा है उसके ऊपर एक मेकअप किया नया लेपा पोती की और वहाँ पर जाकर वो उन अनासिर के साथ बैठे जिन्हें जस्टिस फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने यानी जिस इदारे से उनका ताल्लुक है उसी इदारे ने इनको करप्ट चोर मफहूर इश्तहारी करार दिया था तो जस्टिस फाइज ईसा ने तो अपना माइंड शो कर दिया और फिर जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के अख्तियार खत्म करने का बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया जो एक जाली बिल है इसी तरह का एक नाम नहाद फैसला जस्टिस फायज ईसा ने सुनाया जिसको बाद में आठ रुकनी बेंच ने कलदम कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस फायज ईसा और पीडीएम डीएम बज़ाहिर ये पहले से एक पेज पर हैं यानी ये कोई तफाक तो नहीं है कि जस्टिस फायज ईसा ने भी चीफ जस्टिस के अख्तियार खत्म करने के लिए एक फैसला सुना दिया और दूसरी जानब पीडीएम उसी से मिलता जुलता यानी उस फैसले से मिलता जुलता बिल जो है वो पार्लियामेंट में लेके आ गई ये भी हो सकता है कि जस्टि फाइज ईसा ने ख़ुद या अपने किसी खास नुमाइंदे के ज़रिए ये पीडीएम को पैगाम भेजा हो कि आप पार्लियामेंट से इस किस्म का एक नाम नयाद और जाली बिल जो है वो मंजूर करवाने की कोशिश करें तो एक तो इनका प्लान यह है कि जस्टि फ़ायज़ ईसा जैसे ही चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद ऊपर नीचे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले करवाए जाएँ उससे पहले भी ये फैसले होंगे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये इलेक्शन की डेट करीब आएगी यानी चौदह मई के इलेक्शन को तो हम डिस्कस करते हैं जो नहीं होने वाले लेकिन ये अक्टूबर की भी जो डेट जैसे जैसे करीब आएगी उससे पहले तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का और बड़ा घिनौना इन्होंने क्रैकडाउन करना है क्योंकि इन्होंने सर्वेज करवा लिए हैं मैं एक साफी के तौर पर आपको नून लीग के लोगों से मिलना पड़ता है पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलना पड़ता है पीटीआई के लोगों से मिलना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं सबक आर्मी चीफ़ की कई ब्रीफिंग्स मैंने बतौर साफ़ी बराह रास्त आमने सामने बैठ कर अटेंड की तो मुझे ये पता है कि नून लीग ने और पी डी एम ने इंटरनल सर्वेस करवा लिए हैं इन्होंने सर्वेस करवा लिए हैं कि अक्टूबर में क्या हालात होंगे क्या अक्टूबर में इमरान ख़ान साहब को हम हरा सकेंगे या नहीं हरा सकेंगे अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाकर इलेक्शन कमीशन को मिलाकर और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी इनको जाहिर है कि हासिल है अब इस पूरी सिचुएशन में इनके जो इन्होंने खुद सर्वेस करवाए हैं हर पार्टी वैसे इलेक्शन से पहले सर्वे करवाती है लेकिन इन्होंने इससे बहुत पहले ये सर्वेस करवा लिए तो इनको ये पता चल गया है कि 40-50 फीसद धांधली के साथ भी इमरान खान साहब को अक्टूबर का इलेक्शन नहीं हराया जा सकता तो इसलिए प्लान ये है ये जो बार बार ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अक्टूबर में प्ले करवाएं अक्टूबर में करवाएंगे सेप्टेंबर में भी नहीं हो सकता ये इनका प्लान यही है कि हम जस्टरिफाइज ईसा की जुडिशरी के जरिए एक तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिलवाएंगे दूसरा जस्टरिफाइज ईसा की जुडिशरी से हम उस वक्त नवाज शरीफ की नैली भी ख़त्म करवाएंगे और पूरा आप ये कह लें कि एक मैनेज किस्म का इलेक्शन होगा लेकिन आश्री साहब इसमें दूसरी बात यह है कि सेप्टंबर तो दूर है ना चीफ जस्टिस साहब को भी पता होगा ये जो पूरा खेल है और चीफ जस्टिस साहब के पास आइनी अख्तियार भी हैं चीफ़ जस्टिस साहब को यह भी पता है कि आइन के, के तहत बर वक्त इलेक्शन करवाने बहुत ज़रूरी थे ये जो आपके सुबाई असम्बलियों के इलेक्शन थे तो चीफ जस्टिस साहब को जब इस पूरे प्लान का पता है तो क्या वो अपने फैसला जो कि उन्होंने चौदह मई के, के हवाले से दिया था इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए उनको ऑर्डर इशू नहीं करना चाहिए था उनको ऑर्डर इशू करना चाहिए था और वो ऑर्डर इस तरीके से इशू करना चाहिए था कि हमने आपको बहुत मोहलत दी कि इक्कीस अरब रुपए के फंड्स आप जारी करें लेकिन आपने ये इक्कीस अरब रुपए के फंड्स जारी ना करके बर रास्त तोहन अदालत की है तो चले पहले मरले में अगर आपने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाना था अगर सिसिलियन माफिया से आप इतने डरे हुए हैं इतने सहमे हुए हैं या सिसिलियन माफिया ने आपको अमली तौर पर यरगमाल बना लिया है या आपकी कोई आडियोज़ वीडियोज़ के ज़रिए आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है क्योंकि मरियम नवाज़ का तो जाली ऑडियोज और वीडियोज़ का एक जाहिर है कि वो पूरा एक गेम चलाती हैं तो या फिर अगर आपको किसी का कोई पैगाम मिल गया है तो तब भी चीफ जस्टिस साहब को ये सिर्फ सोच लेना चाहिए था और जो बाकी हमारे दो मजद जज साहिबान हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस हसन कि आपने एक मरतबा नहीं जो आपने हाँ तहरीरी हुक्मनामे जारी किए जिसके ऊपर कौम ने बड़े सेलिब्रेट भी किया कि अच्छा हमारे जो तीन जज साहिबान हैं ये तो सिस, सिसिलियन माफिया के सामने डट गए उन तमाम तहरीरी हुक्मनामों में आपने कहा कि हम चौदह मई के इलेक्शन के फैसले से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे तो अब किधर गया वो आपका फैसला सेकेंड मे हो गया चौदह मे में तो बारह दिन रह गए तो बारह दिन में अब कैसे इलेक्शन होगा कैसे कैंपेन चलेगी किस तरीके से इलेक्शन होगा या चले कैंपेन करने का किसी के पास वक्त है या नहीं है ये मुझे बताएं आशमी साहब ये नून लीग को कौन हौसला दे रहा है और कौन उनको बता रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे इसी वजह से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे इसका मतलब यह है कि नून लीग को पैगाम दिया गया है कि 14 मई को इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे यानी सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे भी दे कि ठीक है आप चौदह मई को इलेक्शन कराएं तो तब भी ये इलेक्शन नहीं होंगे तभी नून लीग ने कोई कैंपेन वगैरह नहीं की किसी भी किस्म की टिकट्स की अलॉटमेंट भी उन्होंने नहीं की अब इसमें आशमी साहब एक और अहम पॉइंट यह है कि आप कम से कम यानी चीफ जस्टिस साहब और ये जो तीन दो हमारे दीगर जज साहिबान हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन आपके फैसले पर अमल दरामद होता या ना होता आप फैसला तो देते आपने तो फैसला देने की जरूरत ही नहीं की आपने हर रोज होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क्स दिए और आपके होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क का फ़ायदा ये हुआ इसको पीडीएम को और आइन की पासदारी करने वाले जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो चाहते हैं कि आइन के तहत फैसले हों उनको मायूसी हुई लेकिन पीडीएम को ये फायदा हुआ कि पीडीएम ने जब ये देखा कि चीफ जस्टिस साहब और ये दोनों जज साहिबान जो हैं ये तो बड़े बैकफुट पर चले गए हैं ये तो मजाक की बात कर रहे हैं ये इन्होंने तो पंचायत लगा ली है तो उसके बाद आप देखें कि ये बिलावल जरदारी और फजलरहमान ये किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब पर हमलावर हो गए उसके बाद इन्होंने कहा कि हमसे गन पॉइंट के ऊपर मुजाकर नहीं करवाए जा सकते इसका मतलब यह है कि अगर आप ये होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क्स ना देते और अपने जो तहरीरी हुक्मनामे हर समात का आपने जारी किया अगर उन तहरीरी समात तहरीरी हुक्मनामों के ऊपर आप अमल दरामद करवाते तो इनमें से किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो अदालत के सामने आके खड़ा होता और कहता है ये ठीक है मुझे पांच साल के लिए नायल कर दें ये कोई नदरिया लोग तो नहीं है चीफ जस्टिस साहब आप इस सुप्रीम कोर्ट के सरबरा हैं इस सुप्रीम कोर्ट ने इनको करप मफरूर पेशावर मुजरिम करार दिया हुआ है इस सुप्रीम कोर्ट ने इनको नायल किया है आपकी जो लोअर जुडिशरी है जाहिर है कि उसके भी आप सरबरा है ना तो आपकी जो लोअर जुडिशरी है उन्होंने भी इन तमाम अनासर को सजाएं सुनाई हुई हैं तो ऐसे अनासर जिनको आपकी अदालतों ने सजाएं सुनाई हुई हैं वही इस वक्त आपको मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाए हुए हैं और आप अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कर रहे आपको किस चीज का खौफ है आपने तो सिर्फ तीन महीने रहना है महीने के अंदर अगर आप यह समझते हैं कि यह सिसिलियन माफिया आपको तंग करेगा तो तीन महीने का कौन सा टाइम होता है यह तीन महीने अगर आपने आइन के लिए डट गए आप और तीन चार महीने अगर आपने आइन के तहत फैसले दिए तो फिर आपको तारीख तंग नहीं करेगी अभी तो आपको सिसिलियन माफिया हो सकता है तीन चार महीने तंग करे लेकिन अगर आपने आइन के तहत फैसले दिए और उन पर अमल दरामद कराने की कोशिश की तो फिर ये सिसिलियन माफिया तो आपको तंग करेगा लेकिन तारीख कभी आपको तंग नहीं करेगी लेकिन अगर आपने फैसले ना दिए तो फिर चीफ जस्टिस साहब तारीख आपको बड़ा तंग करेगी क्योंकि आपके पास एक सुनहरी मौका था और वो सुनहरी मौका अब भी मौजूद है अगर अगरचे वो जो एक मुहावरा है कि आपने ट्रेन मिस कर दी वो जो हम जिंदगी में हम एक तारा इस्तेमाल करते हैं वो तो वो आपने ट्रेन मिस कर दी लेकिन अभी भी मौका है चौदह मई का दिन जो आपने मुकर किया था शहबाज़ शरीफ को इसाक डार को आप तलब कर सकते हैं तो उस सूरत में तारीख़ आपको याद रखेगी कि आप सिसिलियन माफिया के सामने डट जाने वाले जायज थे अगर तो आपका तीन चार साल का कंटिन्यूर रहता होता तो फिर तो आप कहते कि तीन चार साल मैं इनसे कैसे लड़ूंगा फिर तीन चार महीने की बात है आप का नाम आने वाले दिनों में तारीख की किताबों में कानून की किताबों में लिखा जाएगा लेकिन अगर आप अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे तो नाम तो फिर भी आपका तारीख में लिखा जाएगा लेकिन वो बड़े मनफी अल्फाज में लिखा जाएगा कि आपने मुकम्मल तौर पर समझौता कर लिया था मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था तो इसलिए फैसला आपने करना है दूसरा जो आशमिन साहब आपने कहा कि इमरान खान साहब सड़कों पर आ गए इमरान खान साहब के साथ तो सत्तर फीसद लोग खड़े हैं इमरान खान साहब को ये जो उन्होंने डिमांड की कि चौदह मई को असम्बलियाँ तहलील कर दें कौमी असेंबली भी तहलील कर दें तो तब जाके हम इलेक्शन पर राजी हो जाएंगे इलेक्शन हो जाए ये भी इमरान खान साहब आइन के तहत तो इमरान खान साहब की प्रे ये होनी चाहिए कि चौदह मई भी नहीं बल्कि तीस अप्रैल को यह इलेक्शन होना चाहिए था तीस अप्रैल को जो डेट दी गई थी उस तीस अप्रैल को यह इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इससे इमरान खान साहब को सियासी नुकसान होगा इमरान खान अगर ये सुबह असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते तो ये तो एविडेंट था कि इमरान खान साहब की हुकूमतें बन जाती एविडेंट था ना कि इमरान खान साहब की के पी में बनती हुकूमत पंजाब में हुकूमत बनती इसका मतलब यह है कि अक्टूबर में पंजाब में कौमी असम्बली के हलकों पर और के पी में कौमी असम्बली के हलकों पर जो धांधले का प्लान बनाया गया है उसको किसी हद तक रोका जा सकता था अगर इमरान खान साहब के पी में और पंजाब में दोबारा हुक्मरान बन जाते और तीस अप्रैल को या ज्यादा से ज्यादा चौदह मई को इलेक्शन हो जाता जो कि आइन के तहत होना चाहिए था इसके पीछे इमरान खान साहब की हिम्मत अमली तो यही थी लेकिन अब हाशमी साहब इमरान खान साहब आउट ऑफ वे जाकर थोड़ा सा मुझे यह लगता है कि इमरान खान साहब को एहसास है कि चीफ जस्टिस साहब को इस इसलियन माफिया ने किस तरह से धमकाया होगा वरना उनकी प्रे ये होनी चाहिए थी कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए चाहे मैं हारूं या जीतूं, चाहे पीडीएम जीत जाए लेकिन वक्त पर होने चाहिए और अगर अब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो इसमें इमरान खान साहब को सियासी नुकसान है और वो सियासी नुकसान यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी और केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी तो इलेक्शन कमीशन जो है वह किस किस्म की केयर टेकर गवर्नमेंट्स लेके आएगा सिकंदर सुल्तान राजा तो एक्सपोज हो चुके हैं ना मुकम्मल तौर पर तो वह किस किस्म की गवर्नमेंट आएगी किस किस्म का आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा तो ये तमाम फैक्टर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं अब इमरान खान साहब जो कहते हैं कि 14 मई को की मेरी डेड है और मुकर में यही कहेंगे कि अगर 14 मई को कौमी असेंबली तहलील ना की तो हम सड़कों पर आएंगे तो चीफ जस्टिस साहब ये आग पाकिस्तान के अंदर अपना हक लेने के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट में आपने पटिशन फाइल कर दी हो आइन और कानून आपकी पटिशन को सपोर्ट कर रहा हो उसके बावजूद किसी को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है उसके बावजूद फैसले नहीं होते उस हाशमी साहब मैं तो आपको ये भी बताऊं कि अब लोगों को बड़ी हैरानी होती है हम साफियों के नज़र से तो ये केसेस गुजरते रहते हैं ये पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यहां तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि जहां पर सजाए मौत के केसेस थे उनको सजाए मौत हो चुकी थी और 10 12 15 साल के बाद ये पता चला कि अच्छा ये तो बेगुनाह थे और उनकी बेगुनाही के ऑर्डर जारी हुए और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता था कि इनको सजाए मौत हो चुकी है तो ये तो हालत है हमारी सुप्रीम कोर्ट की फिर चीफ जस्टिस साहब ये भी पूछते हैं कि हमारी जो अदलिया है वो एक नंबर पर क्यों है तो इसलिए अगर चीफ जस्टिस साहब आप ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो या कम से कम अवाम में एक उम्मीद की कोई आखिरी किरण बाकी रह जाए आवाम के दिलों में तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा वरना ये जो आपका अगला वर्किंग डे है सेकेंड मे का इस सेकेंड मे को आप ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि हम फैसला नहीं दे सकते आइन के मुताबिक हम कानून के मुताबिक फैसला नहीं दे सकते क्योंकि अगर हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे तो हम पर दबाव आता है ये जो आपने जस्टिस फाइज ईसा की बात की आप अंदाज़ा करें आशफी साहब पंद्रह जज साहिबान हैं इस वक्त आठ जज साहिबान इस वक्त आइन के साथ और चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े थे अब जस्टिस फाइज ईसा का क्या काम है वो चीफ जस्टिस तो नहीं बने वो मजीद दो जजेस की तैनाती के लिए सिफारिश कर दें यानी उन्होंने अभी से चीफ जस्टिस की अख्तियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल भी वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं जिस वक्त वो जजेस कॉलोनी से निकलते हैं ये कुछ लोगों का दावा है और सबको पता है कि पी किस तरीके से आउट ऑफ वे जाके उनको प्रोटोकॉल भी दे रही है तो उन हालात की जानेब जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब आम लोग देख रहे हैं कि हालात किस जानेब जा रहे हैं ही देख रहे हैं कि हालात किस जानब जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई एक इदारा या एक शख्स पाकिस्तान के हालात को तबाही की जानब जाने से रोक सकता है इस वक्त तो वो आप हैं आप हैं और आपका ये जो दो रुकनी बेंच है ये इनके पास ये आइनी अख्तियार है तो आपको अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करने से कौन रोक रहा है अगर आपके ऊपर स्टैब्लिशमेंट से दबाव आ रहा है तारीख में नाम लिखवाए रिवील कर दें कि स्टैबलिशमेंट से दबाव आ रहा है पीडीएम से दबाव आ रहा है तारीख में नाम लिखवाएं तारीख में नाम लिखवाएं तारीख आपको याद रखेगी कि दबाव आया था और आपने बताया कि यह दबाव आया और उसके बाद दबंग फैसले दें लेकिन यह मत करें यह जो आपने ये जो किया है पंचायत बिठा दें मुजात कर दें चौदह मई को इलेक्शन हो जाए चौदह मई से आगे हो जाए ये इस तरह की बातें तो मतलब ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जो कि लोअर जुडिशरी में भी इस किस्म का आर्गूमेंट नहीं होता होगा सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा आला अदालती फोरम है तो वहां जो आपकी लोअर जुडिशरी है वहां भी इस किस्म का आर्गूमेंट नहीं होता तो आपके मुंह से ये अल्फाज बाद में आपने कॉम्प्रोमाइज किया ये अल्फाज के पाकिस्तानियों के जो एक उम्मीद की किरण उनको नजर आ रही थी और सुरंग के पार एक रोशनी नजर आ रही थी वो उम्मीद की किरण आपके इन रिमार्क से खत्म हो गई है और जाहिर है कि हाशमी साहब ये चूंकि कम्युनिकेशन का दौर है इन्फॉर्मेशन रुकती नहीं है और लोगों में शौर भी बढ़ा गया है फोर जी फाइव जी का दौर है तो लोग जो हैं वो बहुत जल्दी हकायक तक पहुंच जाते हैं लोगों को पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है क्या लोग ये असेस नहीं कर सकते कि एक दिन चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि किसी सूरत चौदह मई के हुक्मनामे से पीछे नहीं हटेंगे और अगले दिन चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज साहिबान के रिमार्क्स जो हैं वो बिल्कुल झाक की तरह बैठे हुए थे क्या तो लोग इसको असेस नहीं कर सकते कि ये इतना बड़ा टर्न अराउंड कैसे हुआ है लोग असेस करते हैं सवाल भी करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने के टेबल पर बैठकर लोग आपको डिस्कस करते हैं चीफ जस्टिस साहब बाईस करोड़ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि जिन लोगों को आपने जालसाज करार दिया आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आपने उन्हीं के प्रेशर के ऊपर सत्तर फीसद अवाम जो इस वक्त एक तरफ खड़े हैं और तीस फीसद अवाम वो भी ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ खड़े हैं वो भी आपका एक स्प्लिट मैंडेट है तो आपको सिर्फ ये करना है कि आइन के अंदर जो आपने हवाले दिए थे अपने रिमार्क्स के अंदर और तहरीरी हुक्मनामे के अंदर उसके मुताबिक एक फैसला साजिर करना है उसके बाद आप अमल दरामद करवाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहें और अगर वो नहीं होता अमल दरामद नहीं होता तो उनके ऊपर भी लगाएं तोइने अदालत तोइने अदालत आप लगाएंगे अगर शहबाज शरीफ को मिसाल के तौर पर आप तोनी अदालत लगाएं और नायल कर दें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं छोड़ते आप इदारों को कहें कानून नाफिस करने वाले इदारों से अगर वो नहीं आपके फैसले पर अमल दरामद करवाते आप उन पर भी तोहनी अदालत लगाएं क्योंकि जज साहबान तो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं उसके बाद भी अगर अमल ना हो तो फिर आप एक तो उसके ऊपर ये कम से कम लोगों को तो बता सकते हैं या लोगों को ये तो पता चल सकता है कि चलें चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था आगे अमल दरामद ना करवाने वाले ख़ुद एक्सपोज हो जाएंगे फिर वो जाने और आवाम जाने अच्छा राय साहब ये जो, जो चौधरी शुजात के घर पर हमला हुआ बख्तरबंद गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई इसकी भी इनसाइड स्टोरी हमारे पास मौजूद है लेकिन राय साहब उससे पहले मरियम ने एक ब्लेंडर कर दिया है और मरियम ये पाकिस्तान तरीक इंसाफ़ की बीटी में हम हमेशा इसी प्लेटफॉर्म पर कहते हैं और ये मदद फराहम करती हैं मरीम ने क्या कहा मरीम कहती हैं कि इमरान खान रहम करें पाकिस्तान ट्रैक पर से उतर गया है गैंग ने नोच नोच कर खाया है ये किसे कह रही हैं गैंग ने नोच नोच कर खाया राय साहब पिछले एक बरस से जहां तक हमें याद है पाकिस्तान की आवाम को याद है इस मुल्क के अंदर हुकूमत जो है वो एक तरह से नवाज़ शरीफ की है शहबाज शरीफ की है पीडीएम के टोले की है तो चोर जो है वो नोच नोच कर खाते हैं मुल्क को शायद मरीम जो ये भूल गई हैं मरियम ने और क्या कहा वो ये कहती हैं कि मुल्क की तरक्की की राह में एक शख्स रुकावट है और वो इमरान खान उन्होंने मज़ीद ये कहा कि साजिशी तरीक़ों से इक्तदार का रास्ता खोलना बंद करो पाकिस्तान की आवाम शायद जानती है कि साजिशों का बाज़ार कहाँ पर गर्म है कहाँ ये बाज़ार लगा सौदागर कौन है व्यापारी कौन है और ख़रीदार कौन है Uh, सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को जान फे से काम करते देखा है पाकिस्तान को चलाने में जितना मजदूर का हाथ है किसी और का नहीं मुल्क के सख्त हालात का इल्म है चीनी और आटे की कीमत बढ़ने नहीं दी मुल्क में सड़कें मोटरवेज ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बन रही थी सड़कें और मोटरवेज बनने का फ़ायदा मजदूर को हो रहा था आज डॉलर जो 280 का है इसका किस को इल्जाम देना है पूरा गैंग है जिसने मुल्क को नोच नोच कर खाया नवाज शरीफ ना खाता है ना खाने देता है और शायद पाकिस्तान के अंदर ये तो एक जुमला भी बड़ा मशहूर और ऐसा खाता है तो लगाता भी तो है ये पाकिस्तान की अवामी कहती रही अगर ये चले गए नहीं तो इन्हें जितलाने वाला कोई नहीं रहेगा प्रवेश लाई सबली तोड़ना नहीं चाहता था इमरान खान ने इसमली तोड़ी इमरान खान कहते हैं मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि सबली तोड़ दो नवाजशी को कामा पर निकालने का ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ आ, किसी को वजाजम बनना था किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया साकिब निसार इमरान खान की हुकूमत में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं राय साहब और भी बातें गई हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि मरियम ये जो बात आ, जो इन्होंने मंजर कशी की इमरान खान की सियासत की और पाकिस्तान की सियासत की आ, आपको लगता है कि राय साहब इस तरह के नेरेटिव से मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर आप जो मर्जी बात करें और बार बार आप इमरान खान की कारदगी और उसकी सियासत को घसीट कर लाएंगे तो इसके पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी राय साहब कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जब से सियासत के मैदान में आई है उन्होंने अपने वालिद का दिफा किया है हमने कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करते उनसे नहीं सुना हमने ये जरूर सुना कि मैं पूछूंगी मिफ्ता से कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है किस हैसियत में ये भी कौम को मालूम नहीं है मरीम एक नकाम सियासतदान के तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आई हैं आपको लगता है कि ये जो वीटो पावर थी इनके पास मुजाक के अंदर इसे इस्तेमाल कर लिया गया है क्योंकि राय साहब जब मुजाकर हो रहे होते हैं ना इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती जो मरीम की तरफ से इमरान खान को दी जा रही हैं डायरेक्ट जो इस वक्त हमले किए जा रहे हैं क्या फायदा होगा मुजाकर तो जैसा आपने भी कहा मुझे तो कम अज कम यहाँ पर बैठ आ, ये ड्रॉप सीन होता हुआ नजर आ रहा है खत्म होगी कहानी मुजाकर की अब एक नई कहानी जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है जी राय साहब देखें आशिफ साहब ये मरियम नवाज जो कह रही हैं कि जाओ जो कुछ करना है कर लो इलेक्शन नहीं होगा ये किसको कह रही हैं इमरान खान साहब को नहीं कह रही ये किसी और सियासी जमात को नहीं कह रही ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को कह रही है कि तुमने जो कुछ करना है कर लो इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन का फैसला किसने दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और आइन की शिक्कों के तहत एक्सप्लेन किया कि हम ये फैसला इसलिए दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन से बाहर नहीं जा सकती तो मरियम नवाज जो कि सुप्रीम कोर्ट से एक जालसा खातून करार पाई थी वो चीफ जस्टिस आपको ललकार रही हैं और चीफ जस्टिस को कह रही हैं कि तुमने जो कुछ करना है कर लो मैंने सुपर चीफ जस्टिस बनकर सुपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर मैंने यह फैसला कर लिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो इससे आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर सिसिलियन माफिया किस तरीके से अपने पंजे गाड़े हुए और किस तरीके से दीदा दलेरी के साथ इस वक्त ऑपरेट कर रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को जलसों के अंदर और जलसों के अंदर इस किस्म की धमकियां दी जा रही दूसरा हाशमी साहब मरीम नवाज का ये जो बयान है इमरान ख़ान साहब को भी उन्होंने एक दो अल्फाज उनके लिए भी बोले ये तो एक इतराफ़ शिकस्त है ये इतराफ़ शिकस्त है कि मैं इसलिए इलेक्शन में नहीं जा रही ये जो उन्होंने नाम नाद क्राउड पुलर का इमेज बनाया हुआ था कि ये बड़ी क्राउड पुलर है ये इमेज उस वक्त कोलेप्स हो गया था हमको तो पहले ही पता था को लेकिन आम लोगों की नज़र में उस वक्त कुलैप्स हो गया था जब ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज़ ने कैंपेन को लीड किया पूरे रियासी मशीनरी इस्तेमाल हुई जनब बाजवा और उनके नीचे जितने सीनियर जनरल थे वो सारे इस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल हुई मिस्टर एक्स वाई जी वो इस्तेमाल हुए उसके बावजूद लाहौर की चार में से तीन नशस्तें जो हैं वो इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में जीत ली उसके बाद ये बरीम नवाज़ जो अचानक लंदन चली गई थी और उसके बाद दूसरे ज़िमनी इलेक्शन को इन्होंने उसकी कैंपेन लीड नहीं की उसकी वजह ये थी क्योंकि इनका तो पूरा जो एक नाम नहाज सियासी करियर है वो कुलैप्स हो गया था तो अब उन्होंने एक तरह से ये एतराफ़ कर लिया कि हम इमरान खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन में इसलिए नहीं जा रहे कि इमरान खान साहब के हाथों हम तीन चौथाई अक्सरियत से इबरतनाक शिकस्त से दो चार हो जाएंगे और अगर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान की मीशत की पाकिस्तानी मीशत की बर्बादी के जिम्मेदार इमरान खान हैं तो फिर आप इलेक्शन में जाएँ आवाम को इमरान खान साहब को सजा देने दें वाम को फैसला करने दे आवाम बता देंगे कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी मैशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं या आप लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई थी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तो 5.97 परसेंट आपका ग्रोथ रेट था जो कि अब आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दो फीसद से भी कम रहेगा सोलह अरब डॉलर के जो जर मुबादाला केखायर थे वह आप तीन अरब डॉलर पर लेके आ गए इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए नेशनल हेल्थ कार्ड पना गाँव का प्रोग्राम उसके ज़रिए निचले तबके को रिलीफ भी दिया हुआ था कोविड जैसे चैलेंज से इमरान खान साहब ने निपटा उसके बावजूद जो उनको दिवालिया हालत में मिली इकॉनमी जो कि सबक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जिन ब्रीफिंग में बताते थे कि ये एक करप्ट हुकूमत है और इसहाक डार एक करप्ट वज़ी है तो एक दिवालिया हालत में मिली हुई मैशत को इमरान खान साहब ने संभाला और तमाम आपके जो इंडिकेटर्स थे इकोनॉमिक इंडिकेटर वो सारे पॉजिटिव थे और उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आपने पूरी इकानमी को क्लेप्स कर दिया तो चलें एक लम्हे के लिए अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी मीशत की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं हालाँकि ये जो मैंने फिगर्स दिए हैं इससे तो पता चलता है कि पाकिस्तानी मीशत को इस पी के करप टोले ने बर्बाद किया लेकिन आप चले जाएँ इलेक्शन में आवाम को फैसला कर दें आपको किस बात का खौफ है किस बात का खौफ है और दूसरी बात यह आशमी साहब कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के इदारों को भी ये देखना चाहिए कि क्या मरीम नवाज या ऐसे अनासर जो कि अदालतों से सज़ा याफ्तः करार पाए उनको इतनी इजाज़त देनी चाहिए कि वो चीफ जस्टिस को तुम तुम कह के पुकारें और ये कहें कि तुम जो मर्जी कर लो हमने इलेक्शन नहीं करवाना मरियम नवाज की क्या सियासी हैसियत है वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है क्या उनकी सियासी हैसियत है कि वो ये कहें कि तुम जो मर्जी कर लो हमने किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाना लेकिन नाशमी साहब चूंकि हम एक नाकाम फेल्ड स्टेट में रहते हैं जो कि पहले मुल्क दो टुकड़े हो चुका है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है खुदा ना खास्ता दो टुकड़े मजीद हो सकता है तो यहाँ फेल्ड स्टेट में सिसिलियन माफिया को ठेके पर यह मुल्क दे दिया गया है इदारे भी इनके साथ मौजूद हैं तो इस पूरी सूरत हाल में मुझे एक उम्मीद की किरण और आप लोगों को भी हमारे व्यवर्स को भी उस वक्त नज़र आई होगी कि जब चीफ जस्टिस साहब ने ये अंदे दिया था एक तहरीरी हुक्मनामे में कि हम चौदह मई के इलेक्शन के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे लेकिन जब आप अपने फैसले से पीछे हटे हैं तो मरियम नवाज को भी ये दीदा दिलेरी दी आ गई है कि मरियम नवाज भी आपको चैलेंज कर रही हैं कि दें आप इलेक्शन का फैसला तो हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप फैसला तो दे के देखें चीफ जस्टिस साहब ये कौम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी जस्टिस इफ्तार से आपका कैलिवर बहुत ऊंचा है तो जश इफ्तार के पीछे ये कौम खड़ी हो गई थी वकला तंजीमें खड़ी हो गई थी तो आप तो आइन के मुताबिक मेरिट के ऊपर फैसला दे रहे हैं और फिर जो आप आइन के मुताबिक फैसला दे रहे हैं वो एक ऐसा फैसला है जिसको इस वक्त पाकिस्तान के अस्सी फीसद लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अखलाक पैमाने पर आइनी पैमाने पर अवामी पैमाने पर जिस भी पैमाने पर परख लें आपका आइन के तहत दिया गया फैसला हमेशा प्रवेल करेगा प्रिवेल करेगा आपका फ़ैसला लेकिन अगर आप फ़ैसला नहीं देंगे और इसी तरह कभी कलीमुल्ल सलीमुल्ल इधर से बॉल उधर जस्टिस मुनीब अख्तर आपके पास आपसे जसटिस एहसन तो ये सलीमुल्ल कलीमुल्ल वाला खेल चलता रहा इधर से उधर पास देते रहे कि किसी तरीके से फैसले तक हम ना पहुँचें तो फिर तो इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के मुतल किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखी जाए कि यहाँ पे कोई ताकतवर को कानून के नीचे ला सकता है अच्छा राय साहब ये जो इनसाइड स्टोरी है चोरी शुजाज साहब के घर पर हमले की ये सवाल लोग आ, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी एक दोनों ने पूछा है कि असल में हुआ मामला क्या है आ, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई आ, चोरी साहब के जो, जो करीबी सर्कल है उनसे भी और उनके घर वालों लोगों से भी और जो बयान सामने आए उससे ये तासर मिला के गुमराह किया गया पुलिस को चौधरी शुजात साहब का स्टेटमेंट गो के मीडिया पे छपा है और वो ये कहते हैं कि जब पुलिस वाले प्रवेश लाई के घर पे पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वो चौधरी शुजात साहब के घर के अंदर मौजूद हैं दरवाज़ा टूट नहीं सका शीशे तोड़े गए और फिर हमने ये भी देखा कि एक बख्तरमंद गाड़ी जो है पुलिस की आर्मड व्हीकल वो दाखिल होती है दरवाजे को तोड़ती है और फिर आपने देखा के किस तरह और हैरानगी की बात ये थी कि चोरी शुजात आ, की यानी जो साइड है वो इस वक्त हुकूमत में है मिनिस्टर्स हैं वफाकी वज़रा और ऐसे घर पर धावा बोला गया और पुलिस की तरफ से अब जो मौके सामने आ रहा है कहा ये गया कि जानबूझ कर पुलिस को गुमराह किया गया कि चोरी शुजात साहब के घर में प्रवेज रई साहब जो है वो मौजूद हैं लिहाजा वहाँ जा पकड़ लो राय साहब ये आगाज़ जो है ना इस लड़ाई का वो सी एम पंजाब से शुरू हुआ आपको याद होगा वोट देने का मामला था और फिर घर के जो अफराद थे उनके दरमियान भी लड़ाई हुई तो ये एक फैमिली फ्यूड हमें नज़र आ रहा है और जब भी किसी भी ख़ानदान के फ़र्द को मौका मिलता है वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हालात को इस्तेमाल कर रहा है तो ये सिचुएशन थी इसके ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है और राय साहब ये भी हम सुनने वालों को बता दें कि जिन लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की सिफारिश जो है वो की गई है अब देखते हैं कि इतिहादी हैं जो शुजाज़ साहब शहबाज शरीफ के आ, एंटी करप्शन के लोगों को बुलाकर पूछेंगे कि भाई ये हुआ क्या चौरी साहब के घर पे हमला करने की असल में बुनियादी वजह क्या थी और ये शो था आज का हमारा आपने कमेंट्स भेजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इजाज़त दीजिए ने के बाद